नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल डैम से सतलुज दरिया में छोड़े गए भारी मात्रा में पानी के कारण कई ग्रामीण क्षेत्रों के चपेट में आ जाने के उपरांत पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर बचाव कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी करने के साथ साथ ग्रामीणों से दुख साझा करते हुए उन्हें दिलासा भी देने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस दौरान उन चैनलों को भी बाज आने की अपील की जो बेवजह दहशत फैलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि सतलुज दरिया में फंसे गांव हरसा बेला के सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने सतलुज दरिया किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर चले जाने की अपील भी की है। क्या कहा शिक्षा मंत्री ने, आप भी सुने। सत श्री अकाल जी। एक ता यह है कि जिहड़े हरसा बेला ते पट्टी कुलची जिन्ने भी बंदे फसे हुए सी ओह सारे कढ ले गए ने, सुरक्षित ने, ठीक ठाक ने। ते बाकी पिंडां च भी किते भी कोई फसिया होया नहीं हैगा। इक ही बेनती है जी आप सब नूं कि अफवाहां तों बच के रहना। मैं चंगे चंगे टीवी चैनल भी देख रहा, वह इस वक्त जिहड़े है जिवें पुरानियां वीडियोज़ कल दियां वीडियोज़ दिखा रहे हैं, उहदे ते तुसीं गौर ना करो। इस करके सिर्फ इन्नी की बेनती है कि अज पानी फिर छड्डिया जाऊगा पर कल नालों घट है। किसी भी सारे प्रशासन के लोग लगे हुए ने, जिहड़े घर दरिया के आस पास है उन्होंने बेनती है कि सुरक्षित थावां दे उत्ते सारे पासे मार्क करते। जे नहीं थानू बंदोबस्त हो सानू दसो, थोड़े प्रशादे का रहन का सारा बंदोबस्त उत्थे होगा। कृपा करके जिहड़े घर बिल्कुल दरिया के कोल है वह अपना उत्थे ना जाण, अपने बच्चों नू दरिया के कोल ना भेजो। बाकी कोई खतरे वाली गल नहीं, जिन्ना पानी अज भी छड्डिया जाऊगा वह कल नालों घट है। तो किसी तरीके की कोई खतरे वाली गल नहीं। आप सब नूं बेनती है इस तों अलावा होर किसी भी तरह की तुसीं जिहड़ी सरकारी अनाउंसमेंट तों अलावा किसी वीडियो किसी होर मैसेज ते यकीन नहीं करना, क्योंकि उहदे नाल की है कि जी नुकसान हुंदा, जिहड़ा कोई राहत कार्यज है वह भी प्रभावित हुंदा, अफसर भी डीमोटिवेट हुंदे। इस करके बेनती है थानू कि कोई घबराने वाली गल नहीं, बिल्कुल चिंता करने वाली गल नहीं। इस वक्त भी साढ़े इलाके इस वक्त किसी भी कोई भी इदां दा पिंड नहीं जो सारा पानी डुब्बिया होवे। उन्हां घरां दे विच खास करके जिहड़ी दौला बस्ती है उत्थे ज़्यादा पानी है, या फिर बेले आ जिहदा कनैक्शन टुट गया होया वह भी उन्हें अज आप ही तोड़िया तां कि सड़कां बच सकण ते पानी निकल सके। इस करके घबराने की लोड़ नहीं। सारा प्रशासन खुद मुख्यमंत्री साहब खास नज़र रख रहे ने आनंदपुर साहब ते, सारे उच्च पदरी अफसर डीसी SSP तो लैके सारे अफसर इस वक्त आनंदपुर साहब के पिंडां च कितें भी लोड़ होगी। मैं खुद भी कल रात का सवेर का हर वेले अज भी सारा वक्त इत्थे ही है। कोई घबराने की लोड़ नहीं ते आपां जिवें सूझबूझता नाल आपां इस मुसीबत का हल कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। देखिए जी, पानी पिछों ज्यादा आने करके लगभग सारे जिन्हें साढ़े दरिया नाल लगते पिंड ने उन्होंने काफ़ी मात्रा में पानी आ गया है। तो इतने आप हम सैनी माजरा पिंड विजिट कर रहे हैं, इतने लगभग 6-7 घर ने जिन्हों के पानी बढ़िया, तो इन्हों ना लगते जिंदगढ़ी कम्यूनिटी सेंटर फिलहाल हल्दी करी शिफ्ट करा रहे हैं। उसे हर तरह की फैसिलिटी इन्हों दी जाएगी, तो जिदा ही पानी घट गया इन्होंने वापस अज की गल करिए वाटर लैवल की है आने वाले दिनों की हालात होने वाले ने पानी का। देखो इस बारे ज़्यादा PBMB प्रबंधन दस सकता है किसी पिछले घटना का किन्ना लैवल छड़िया जा रहा है, तो उन्होंने प्रशासन होंगे है आप इस चीज़ बारे डिटेल फिलहाल थोड़ा लेटर ऑन दसा कि किन्ना छड़िया जा रहा है। जो तुम देख रहे हो पानी का काफ़ी लैवल के आया है, बट हौली हौली एक दो दिन की गल है उसके बाद ही खर्चा। कुछ लोग जो पिंड फसे हुए उन्होंने रेस्क्यू करने वास्ते रिलीफ सेंटर जो नियर बाय कम्युनिटी सेंटर या फिर पंचायत घर या फिर धर्मशाला है वो बनाए गए हैं, तो कुछ जगह के स्कूल बनाए गए हैं। काम कर रही है मैम इस फिलहाल सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, कि जिन्हिया भी अलग अलग टीम्स ने उन्होंने हर एक ड्यूटी दी है। सटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।